आज मैं आपको बताने वाला हूँ AMD के एक ऐसे प्रोसेसर के बारे में जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। Yes, ये है AMD का Ryzen 3 4100, AMD का एक एंट्री लेवल क्वाड कोर प्रोसेसर जो कि बेस्ड है Zen 2 आर्किटेक्चर पे। हाँ, ये वही वाला आर्किटेक्चर है जिसपे AMD की Ryzen 3000 सीरीज बेस्ड है। जस्ट फॉर अ कंपैरिजन या फिर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, जो AMD की Ryzen 5000 सीरीज है वो बेस्ड है Zen 3 आर्किटेक्चर पे। आप सोच रहे होगी कि ये जो क्वाड कोर प्रोसेसर है ये Zen 2 आर्किटेक्चर पे बेस्ड ही क्यों है, क्योंकि ये पुराना आर्किटेक्चर है। वेल, सेम क्वेश्चन मेरा भी था। चलो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी हम झेल लेंगे। बट बात ये है कि मैंने इसमें एक वो प्रोडक्ट को बाय करने वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, उनको सर्च करने की ट्राई करी। वेल, आंसर आ रहा है आपके पास, वेट फॉर इट, मुझे कोई भी नहीं मिला। वेल, मस्ती मजाक तो वीडियो में चलता रहेगा। वीडियो का जो लाइक एम है वो है 2000 लाइक्स का लाइक एम। मेक श्योर कंप्लीट करा देना, एंड मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लो यार मुझको, टू गेट अपडेट थोड़ा सा पहले। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी प्राइसिंग के बारे में, जो कि है रफली अराउंड 9000 रुपीज। वेल, एक क्वाड कोर प्रोसेसर के लिए इट्स अ फेयर प्राइस, इसमें कोई भी इशू नहीं है। बट यहाँ पे आता है कैच, एंड ये कैच ये है कि आपको ये दो तरीके से मिलेगा। मतलब ये है कि आपको एक कुछ जगह पे प्रॉपर सील्ड पैक बॉक्स आते हैं ना AMD के, उसके अंदर मिलेगा विद AMD रेट स्टेल्ट कूलर, एंड कुछ जगह पे आपको मिलेगा एज एन OEM CPU, एंड मतलब के ओपन मिलेगा आपको, वहाँ पे भी आपको रेट स्टेल्ट मिलेगा, बट आपको वो परचेज नहीं करना है। वैसे तो परचेज ही नहीं करना है आपको, बट स्टिल आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि OEM वाले CPU के अंदर आपको वारंटीज के इशू आ सकते हैं, तो बस इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अवेलेबिलिटी वाइज मुझे यहाँ पे ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी खासी देखने को मिली, ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगा। बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे स्टॉक्स तो काफ़ी सारे मिल गए मुझे, एंड ये ऐसे ही भरपूर रहने चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसे कोई खरीदे ही ना। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छी बात यह है कि इट कैन बी सपोर्टेड ऑन वेरियस चिपसेट्स मदरबोर्ड, जो कि ऑब्वियसली AM4 प्लेटफॉर्म पे है। एंड बेकार बात यह है कि इट इज जस्ट लिमिटेड टू PCIe Gen 3 ओनली। मतलब के आप यहाँ पे अगर इन केस 6500 XT या फिर AMD का ही 6400 लगाना चाहते हो, जो कि मैं बोलूँगा कि मत ही लगाना, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में इश्यूज देखने को मिलने वाले हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी उनके डेडिकेटेड रिव्यूज के अंदर कवर कर रखा है। सो आप वो जाके चेक भी कर सकते हो। वेल, अकॉर्डिंग टू दी डेटा इट शुड बी अ मोनोलिथिक डाई, यहाँ पे चिपलेट्स का यूज नहीं करा गया है, एंड ये कन्फर्म नहीं है बिकॉज मैं खोल के तो देख नहीं सकता ना। यहाँ पे मैंने जो ऑनलाइन डेटा था उसके बेसिस पे कंक्लूजन बहुत 50-50% के बेसिस पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ कन्फर्म नहीं है। वेल, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फर्क जिस चीज से पड़ता है वो है कॉम्पिटिशन, एंड इंटेल के पास है कुछ ज्यादा ही तगड़ा कॉम्पिटिशन इस क्वाड कोर सीपीयू के लिए, जो कि है इंटेल का i3-12100F। एंड ये जो इंटेल का कोर i3-12100F है, इसे कम मत समझना, ये इस क्वाड कोर कैटेगरी के अंदर वन ऑफ द नहीं है, कितने प्रोसेसर है ही नहीं एक्चुअली में, अगर हम लेटेस्ट जेन पे कंपेयर करें तो कोई नहीं है जो कि इसे टक्कर दे पाए। बेंचमार्क्स पे ही चल रहे हैं हम। बट यहाँ पे एक चीज़ बताने वाली आपको ये है कि आपको जो शॉपकीपर्स लोग हैं ना, वो ट्राई करेंगे कि इसको कम, मतलब कि AMD Ryzen 3 4100 को कम पे सेल करने का। प्लीज़ इस स्कैम में मत फंसना, बिकॉज अगर आपको इंटेल कोर i3-12100F 1000 रुपये महंगा भी मिलता है, गो फॉर इट, क्योंकि वो 1000 रुपये भी अगर महंगा मिलता है ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो आपको परफॉर्मेंस डिलीवर उस पैसे से भी ज़्यादा कर रहा है, मतलब कि कंपैरिजन प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये सब चीज़ें, अब चलते हैं सीधा बेंचमार्क्स की तरफ, एंड आपको मैं यहाँ पे दोनों ही प्लेटफॉर्म्स की जो टेस्ट बेंच है उनके बारे में बताता हूँ, एंड उसके बाद हम यहाँ पे सारे के सारे गेमिंग बेंचमार्क्स, प्रोडक्टिविटी बेंचमार्क्स, इनको रन करके देखते हैं। आपके लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हो इंटेल की टेस्ट बेंच, एंड यहाँ पे आपके राइट साइड में है AMD की टेस्ट बेंच। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम सारी चीज़ों को बिल्कुल सिमिलर रखा है, बस यहाँ पे AMD के प्रोसेसर के साथ, जो कि मुझे AMD ने सेंड करा था, उसके साथ हमको यहाँ पे रेट स्टेल कूलर नहीं मिलता है। सो मैंने यहाँ पे 360mm का AIO यूज करा है, एंड AMD को इसका एडवांटेज भी है, बट स्टिल अभी आप आगे देख ही लेना। एंड यहाँ पे जो मैंने लिक्विड कूलर यूज करा था वो है NMX का LiquiMax 3, एंड यहाँ पे जो मैंने ग्राफिक कार्ड यूज करा है वो है AMD का RX 6900 XT। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे गेमिंग बेंचमार्क्स की, एंड मैंने यहाँ पे सारे के सारे गेम्स को टेस्ट करा है ऑन 1080p रेजोल्यूशन। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे रीजन पता होना चाहिए, अगर नहीं पता अभी तक तो कमेंट सेक्शन में जाके देख लेना, कोई ना कोई आंसर आपको जरूर दे देगा। यहाँ पे जो सबसे पहला गेम है वो है
Assassin's Creed Valhalla, जिसके अंदर यहाँ पे Intel Core i3-12100 32% बेटर परफॉर्मेंस देता है हमको when compared to AMD Ryzen 3 4100। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड गेम है वो है Battlefield 5, इसके अंदर हमको 73% का डिफरेंस मिलता है। Can you believe 73% बेटर परफॉर्मेंस ऑन इंटेल कोर i3-12100। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है डूम इटर्नल, एंड यहाँ पे भी हमको जो डिफरेंस मिलता है वो है 66% का, एंड यहाँ पे भी इंटेल इजीली विन होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट गेम है वो है मेट्रो एक्सोडस, इसके अंदर हमको मिलता है 49% का डिफरेंस, एंड यहाँ पे भी इंटेल ही विन होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि है शैडो ऑफ द टूम रेडर, एंड यहाँ पे AMD Ryzen 3 4100 68% लेस परफॉर्मेंस देता है व्हेन कंपेयर टू इंटेल कोर i3-12100F। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है साइबरपंक 2077, एंड यहाँ पे हमको 50% परफॉर्मेंस डिफरेंस मिलता है, एंड यहाँ पे भी इंटेल कोर i3 विन होता है। यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है CS:GO, इसके अंदर हमको मिलता है 58% का डिफरेंस, एंड यहाँ पे भी Ryzen 3 4100 कम परफॉर्मेंस देता है हमको व्हेन कंपेयर टू इंटेल कोर i3-12100F। नेक्स्ट गेम है डेथ स्ट्रैंडिंग, एंड ये मेरा पर्सनल फेवरेट गेम है, इसके अंदर हमको डिफरेंस मिलता है 69% का, एंड यहाँ पे भी AMD Ryzen 3 4100 हमको कम परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, एंड यहाँ पे भी हमको 70% बेटर परफॉर्मेंस मिलती है ऑन इंटेल कोर i3-12100F। उसके बाद मेरा एक पर्सनल फेवरेट टाइटल जो कि है वॉच डॉग्स लीजन, एंड इसके अंदर भी हमको 62% का डिफरेंस मिलता है, एंड इंटेल यहाँ पे भी विन होता है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है गॉड ऑफ वॉर, इसके अंदर हमको मिलता है 56% का डिफरेंस, एंड यहाँ पे भी इंटेल कोर i3 हमको ज्यादा परफॉर्मेंस देता है ऑब्वियसली। नेक्स्ट गेम इज फायर क्राई 6, इसके अंदर हमको मिलता है 64% का डिफरेंस, एंड यहाँ पे भी इंटेल कोर i3 विन होता है। अभी तक सारे गेम्स के अंदर इंटेल कोर i3 एक अच्छे खासे डबल डिजिट के मार्जिन से विन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट गेम है वो है फोर्जा होराइजन 5, एंड यहाँ पे भी हमको 49% स्लो परफॉर्म करता हुआ मिलता है AMD का Ryzen 3 4100। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पे इन सारे गेम्स के एवरेज के बारे में कि ओवरऑल अगर हम बोले कि AMD का Ryzen 3 4100 Intel i3-12100F के कंपैरिजन में कितना स्लो परफॉर्म करता है ऑन 1080p रेजोल्यूशन, तो वो है 60% का डिफरेंस। आई मीन टू से AMD Ryzen 3 4100 1080p रेजोल्यूशन पे आपको ऑन एन एवरेज 60% कम परफॉर्मेंस देगा व्हेन कंपेयर टू Intel Core i3-12100F। सो आप मुझे बताओ क्या लेना ज्यादा वर्थ इट है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन बेंचमार्क्स के बारे में। यहाँ पे जो पहला बेंचमार्क है वो है Adobe Premiere Pro 2022 का बेंचमार्क, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि Intel Core i3-12100F 18% फास्टर है AMD Ryzen 3 4100 से, एंड यहाँ पे हमको कंपेरेटिवली कम रेंडर टाइम्स देता है। यहाँ पे जो सेकंड बेंचमार्क है वो है Handbrake, एंड यहाँ पे Intel Core i3-12100F 22% बेटर परफॉर्मेंस देता है हमको व्हेन कंपेयर टू AMD Ryzen 3 4100। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट बेंचमार्क है वो है वीरे बेंचमार्क, एंड यहाँ पे हमको इंटेल कोर i3-12100F के साथ 51% मोर वी सैंपल्स मिलते हैं व्हेन कंपेयर टू AMD Ryzen 3 4100। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कोरोना 1.3 बेंचमार्क के बारे में, एंड यहाँ पे भी इंटेल कोर i3-12100F 43% फास्ट परफॉर्म करता है व्हेन कंपेयर टू AMD का Ryzen 3 4100। इसी के साथ यहाँ पे बात करते हैं ब्लेंडर बेंचमार्क के बारे में, एंड यहाँ पे भी इंटेल कोर i3-12100F 38% बेटर परफॉर्मेंस देता है हमको व्हेन कंपेयर टू AMD का Ryzen 3 4100। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे Cinebench R20 की तरफ, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें मल्टी कोर स्कोर की तो Intel Core i3-12100F 47% फास्ट परफॉर्म करता है, एंड इसी के साथ बात करें हम सिंगल कोर स्कोर की तो 51% बेटर परफॉर्मेंस देता है हमको यहाँ पे Intel Core i3-12100F। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ 3DMark स्कोर्स के बारे में, जैसे कि टाइम स्पाई एक्सट्रीम, फायर स्ट्राइक एक्सट्रीम एंड CPU थ्रेड परफॉर्मेंस, एंड यहाँ पे आप अपने सामने सारे के सारे स्कोर्स को देख सकते हो। जैसे कि टाइम स्पाई में इंटेल फिर से विन होता है, फाइव स्ट्राइक एक्सट्रीम के अंदर फिर से विन होता है, एंड CPU वन थ्रेड परफॉर्मेंस में भी इंटेल कोर i3 विन होता है। लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे पावर कंजप्शन के बारे में, एंड यहाँ पे मैंने यूज करी है ब्लेंडर साइकल्स, एंड ऑनेस्टली एक अकेला बेंचमार्क है जिसके अंदर हमको AMD विन होता हुआ दिख रहा है, बट एक्चुअली में बात यह है कि यहाँ पे भले ही विन हो जाए बट कोई फायदा कुछ नहीं है। जैसे कि AMD Ryzen 3 4100 21% लेस पावर कंज्यूम करता है, बट जैसे कि आपको पता ही है कि इंटेल कोर i3 एंड Ryzen 3 4100 के बीच में जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है दैट इज ह्यूज। भले ही वो यहाँ पे 21% कम पावर कंज्यूम कर रहा है बट कोई मतलब ही नहीं बनता कि इस रीजन की वजह से आप यहाँ पे Ryzen 3 4100 को बाय करो। वेल, बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे, बट कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज F लिख देना यहाँ पे या F टाइप कर देना यहाँ पे AMD के Ryzen 3 4100 के लिए, एंड ये भी बताना कि AMD Ryzen 3 4100 को लाल चुनरी से जो भी बोलते हैं उसे, या फिर क्या ब्लू रंग की चुनरी से अपने IHS को छुपाना चाहिए, बिकॉज वो लिटरली मुंह दिखाने लायक बचा ही नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे बोलने लायक अब कुछ भी नहीं बचा है, मैंने आपके सामने पूरा चिट्टा पिट्टा खोल दिया है, एंड अगर अभी भी आप लोग इसको परचेज करने की सोच रहे हो तो मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोच रहे हो, बट ये वाली जो सोच है दिमाग से निकाल देना। एंड इसी के साथ अगर आप लोग इसे परचेज करके बैठे हुए हो, ऐसा नहीं है मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ, मैं ये वाली बात आई थिंक बहुत पहले से कर रहा हूँ, इसका डेडिकेटेड रिव्यू है। अगर आप लोगों ने परचेज कर लिया है प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपना एड्रेस छोड़ के मत जाना,
क्योंकि तुमको पता है कृष्णा भाई, तुमको बता देंगे मैं क्या करूंगा फिर। एड्रेस है तेरा मेरे पास, अगर मैं आऊंगा भाग नहीं पाएगा। इसी के साथ अमेज़न से कुछ भी परचेस करना हो तो नीचे के लिंक से परचेस कर सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय। We'll be right back.